अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं बज इंफॉर्मेटिव पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डायमंड डफ के बच्चे के कितने दिनों में जो है अंडों से निकलते हैं और कितने दिनों में जो है वो फुल मतलब उनके पर वगैरह पूरे आ जाते हैं कि वो उससे नीचे आ जाते हैं, जाली जो है उनकी नेट होती है उससे नीचे आ सकें। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और जिसने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो 14 दिन हैं, 14 दिन में डायमंड डफ के जो बच्चे हैं वो अंडे से जो है बाहर आ जाते हैं 14 दिन के अंदर, अगर आप डायमंड डफ को अच्छे से धूप दे रहे हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया था इनके लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है डायमंड डफ से ब्रीडिंग लेने के लिए। अगर आप पूरा साल ब्रीडिंग देना चाहते हैं और जल्दी ब्रीडिंग देना चाहते हैं तो इनको धूप ज़रूर दें। तो आप लोग देख सकते होंगे मुझे भी डायमंड डफ लाए हुए 20 दिन हुए और मैंने इनको धूप अच्छी दी है तो उससे इन्होंने जल्दी ब्रीड कर दी है और 14 दिन में जो है इनके अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं अगर आप धूप अच्छी दें इनको, और 14 दिन के अंदर ही वो बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, उसके पास पूरे आ जाते हैं। लेकिन उसकी ये शर्त है कि आप लोगों को इनको धूप अच्छे से अच्छी देनी होगी ताकि ये धूप अच्छी ले सकें, और जब ज़्यादा अच्छी इनको धूप मिलती है तो ये फिर उसके बाद जाके जो है अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, पूरे साल ब्रीडिंग करती हैं और जल्दी ब्रीडिंग भी करती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा अभी भी पर्दा हटा हुआ है, अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो धूप आएगी ताकि ये लोग आराम से धूप ले सकें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।